हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक जॉब डेट जो, जो कि निकल के आ रही है इंडियन बैंक की तरफ से इंडियन बैंक में ये रिक्रूटमेंट निकल के आई है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जॉब है और इसमें बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज हैं आपके लिए टोटल आपका थ्री वैकेंसीज हैं और अलग अलग टाइप की पोस्ट हैं सभी के लिए ये पोस्ट रहने वाली है बैंक में जनरली जो पोस्ट आती हैं वो तो आपकी क्लर्क आप या पी की होती है बट स्पेशलिस्ट ऑफिसर वाली पोस्ट ऐसी होती है जिसमें बी बी या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपने सी वगैरह किया हुआ है तो वो सब भी अप्लाई कर सकते हैं मेनली उन्हीं के लिए होती है तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट काफ़ी अच्छी रहने वाली है फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों के लिए ही निकली है और इसमें जो कोर ब्रांच के इंजीनियर्स हैं और जो सी वाले इंजीनियर्स हैं ई के इंजीनियर्स हैं तो सभी के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो अदर बैंक्स में निकलते हैं वहाँ पर सी के लिए तो रहता है बट मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल इनके लिए नहीं निकलता है तो इंडियन बैंक में ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए चौबीस मई से ये फॉर्म भरना चालू हुआ है और फोर्टीन ऑफ जून तक ये अप्लाई कर सकते हैं आप अप्लाई का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा फॉर्म भरने की पूरी प्रोसीजर वैसी ही है जैसे किसी बैंक में आप क्लर्क या पी का फॉर्म भरते हैं बट इसमें जो सिलेबस है इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो अलग है उससे ठीक है तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में अगर आप आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल पर तो आप दूसरी भी वीडियोस जॉब अपडेट्स की रेगुलर आती हैं रोज़ शाम को सात बजे आपको जॉब अपडेट मिलता है तो वो आप देख सकते हैं अलग अलग प्राइवेट कंपनीज़ में गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी सारी आती हैं ये वाली आपकी एक गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है देखते हैं क्या क्या इसमें मांगा गया है सबसे पहले आप नोटिफिकेशन देखते हैं इसका इसका नोटिफिकेशन थर्टी पेजेस का है बट मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको क्विकली बता दूंगा इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में रहने वाला है और यहाँ पर देखें जॉब अपॉर्चुनिटी जो किसके किसके लिए है ऑल ओवर इंडिया आप अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया सेंटर रहने वाले हैं और इसमें पोस्ट अलग अलग टाइप से बनाए गए इस तरह से पोस्ट कोड हैं आपके लिए पोस्ट कोड आपके टोटल फिफ्टी वन सिक्सटी पोस्ट है राइट सिक्सटी पोस्ट है तो सिक्सटी पोस्ट में अलग अलग वैकेंसीज है किसी में दो तीन है किसी में ज़्यादा वैकेंसीज हैं तो कुल मिला करके टोटल आपकी थ्री हंड्रेड ट्वेल्व वैकेंसीज़ हो जाती हैं और कैंडिडेट जो है किसी एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है मतलब मान लीजिए आपने मैनेजर की पोस्ट पर अप्लाई किया तो आप इन दो वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हैं तो आपको अप्लाई किस में करना है डिपेंड करता है कि आपकी स्किल क्या है जैसे आप सी एस आई टी वाले हैं तो आई टी के लिए अलग अलग वैकेंसीज अलग अलग हैं ठीक है, है? इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आई टी में जो है कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया सी एस आई टी में क्योंकि तीन से एक साल का एक्सपीरियंस किसी में पाँच साल का एक्सपीरियंस लेकिन जो कोर ब्रांचेज है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर ये बहुत ही शानदार पोस्ट है इसमें एक सौ पचास वैकेंसीज़ हैं आपकी और रिजर्वेशन भी आप देख लीजिए एस सी एस टी में ट्वेंटी या जनरल में आपके यहाँ पे सिक्सटी पोस्ट मिल जाती हैं आपको तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसमें और सैलरी आपकी जो है ये जो आपका पे स्केल है वन है और इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर ये नाम याद रखिएगा असिस्टेंट मैनेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर तो ये नाइन्टीथ नंबर पे पोस्ट है इसकी पूरी जानकारी अभी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं ये आपका पी के लेवल तक का रहेगा क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर वो भी बनते हैं बाद में प्रमोट होकर के तो आप सीधे असिस्टेंट मैनेजर जा रहे हैं ट्रेनिंग होगी आप असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका जो वहाँ पे रहने वाला है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में आप जाएंगे ठीक है तो आप इसमें अप्लाई कर रहे होंगे जाहिर सी बात है इंजीनियर्स और बाकी अगर आप सीए वगैरह देखें तो उसमें भी मैं बता दूंगा थोड़ा बहुत उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है तो उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे फ्रैक्चर वाली वैकेंसीज यहाँ पर देखेंगे मेनली पे स्केल देखते हैं कितना है पे स्केल जैसा आपने थमनेल में देखा होगा सिक्सटी थाउजेंड के आसपास पे स्केल रहने वाला है बट देखिए इन हैंड सैलरी वो पे रहेगी आपकी पूरा जो बनती है सैलरी डी ए सी सी एच आर ए लीस्ट एकोमोडेशन बहुत अलग अलग आपके बेनिफिट्स मिलेंगे रिमबर्समेंट्स कई अलग अलग हैं तो कुल मिला करके आपका जो स्केल है थर्टी सिक्स थाउजेंड का है बट सैलरी बनते बनते ये सिक्सटी थाउजेंड अप्रॉक्स पहुँच जाती है कुछ जगहों पर मेंशन है सिक्सटी थ्री थाउजेंड प्लस सैलरीज रहती है तो आप मान के चलिए काफ़ी अच्छी सैलरी रहने वाली है और स्टार्टिंग सैलरी अगर आपको सिक्सटी थ्री थाउजेंड विदाउट एक्सपीरियंस मिल रही है ग्रेजुएट को तो वो काफ़ी अच्छी सैलरी है ठीक है तो आप सी भी जोड़िए सी टी एक अच्छा खासा सी बन जाएगा उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है नेशनलिटी तो इंडियन होनी चाहिए उसके बाद अलग अलग पोस्ट का क्राइटेरिया है जैसे सी में है तो सी में ये वाला जो फिफ्थ नंबर का पोस्ट है इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है तो वो अप्लाई कर सकते बाकी में एक्सपीरियंस है अगर आप जाते हैं यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट इसमें बी बी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स केमिकल टेक्सटाइल प्रोडक्शन सिविल ये सारे लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ठीक है बी बीटेक मैकेनिकल का हो या फिर इलेक्ट्रिकल का हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का केमिकल का टेक्सटाइल का प्रोडक्शन का सिविल का तो लगभग सारी ब्रांचेज यहाँ पर आ गई हैं जो बच्चा आपका सी एस आई टी वाला तो सी एस आई टी वालों के लिए अलग से निकाला गया है। वो थोड़ा नीचे जाने पर आपको दिखेगा ये पोस्ट कोड नंबर थर्टी वन टू सिक्सटी तो इसमें आपका जो है सी एस आई टी ई सी वाले भी इसमें एलिजिबल हैं आ, लेकिन आप जब ऊपर उसमें अप्लाई कर रहे हो तो इसमें नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि एक ही पोस्ट में एक इंसान अप्लाई करेगा ठीक है तो आप उसमें अप्लाई करेंगे क्योंकि वहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया इसमें क्या है तीन साल से किसी में पाँच साल का एक्सपीरियंस है वन ईयर के भी एक्सपीरियंस वाले हैं मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो सी में ये देखिए असिस्टेंट मैनेजर आईटी इसमें जिसमें वन ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया तो असिस्टेंट मैनेजर आईटी में आप अप्लाई कर सकते हैं सीएस वाले अगर एक साल का एक्सपीरियंस है अदरवाइज सीएस के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप दूसरे जितने भी बैंक हैं उसके जब भी आई में भी जैसे वो निकलता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का उसमें देखिएगा उसमें बिना एक्सपीरियंस के भी आपके पोस्ट निकलती हैं जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की हैं फॉर आई तो वहाँ पर रहता है बट अभी इसमें जो है कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है सी के लिए बाकी फ्रेशर्स वाले तो है ही एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है जो आपका रिजर्वेशन होगा वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग होगा सेंटर का जो भी सर्टिफिकेशंस होते हैं ये आप पूरी जो पी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एक बार पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले ठीक है बाकी अप्लाई करने में फ़ीस भी है बिल्कुल फ़ीस है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है और uh, इसमें एग्जाम होना है तो फ़ीस रखते हैं ये लोग रुपीज़ एट फिफ्टी है जनरल के लिए आपका और एस सी के लिए वन सेवेंटी फाइव फीस है ठीक है और uh, जो आपका आगे देखते हैं एट्टीन पेज नंबर पे जाएंगे आपको तो सिलेक्शन प्रोसीजर मिलेगा तो वहाँ पर मैं ले चलता हूँ आपको थोड़ा सा नीचे जाना होगा आपको एट्टीन पेज नंबर ये आ गया तो देखिए ऐसा है कि शॉर्ट एप्लीकेशन की करनी है तो एप्लीकेशन अगर ज़्यादा आते हैं क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स इस पर वीडियो बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं तो ज़्यादा एप्लीकेशन आने की संभावना होने पर आपका रिटर्न टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा और कम एप्लीकेशन आते हैं तो सीधे इंटरव्यू से आपको बुलाया जाएगा और रिटर्न होना है तो रिटर्न कैसा होगा रिटर्न ऐसा नहीं है कि बैंक का जो पैटर्न रहता है इंग्लिश क्वांट रीजनिंग वैसा नहीं होगा एक घंटे वाला जो 20-20 मिनट वाला पैटर्न रहता है इसका अलग पैटर्न है इसमें प्रोफेशनल नॉलेज रिस्पेक्टिव डोमेन के जैसे इंजीनियर है तो मैकेनिकल इंजीनियर है तो मैकेनिकल का पेपर आएगा सिविल है सिविल का इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रिकल का तो वो चीज़ आपके जो है सिक्सटी क्वेश्चन रहेंगे सिक्सटी मार्क्स के और फिर इंग्लिश रहेगी ट्वेंटी क्वेश्चन ट्वेंटी मार्क्स और जी रहेगा जी में क्या होता है बैंकिंग जी में आपका स्पेशल रेफरेंस बैंकिंग इंडस्ट्री में और लास्ट सिक्स मंथ के करंट अफेयर में रहता है कई बार एक साल के करंट अफेयर में जो मेनली करंट अफेयर ही रहता है जी का मतलब ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री ऑफ ही आपसे पूछने लगेंगे ठीक है तो ट्वेंटी मार्क्स का ही हो जाता है तो 40 मार्क्स का आपका इंग्लिश और जी है लेकिन जो 60 परसेंट वेटेज है दैट इज़ फॉर प्रोफेशनल नॉलेज विच इज़ योर रिस्पेक्टिव डोमेन और ये दो घंटे का पेपर होगा कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है पूरा आपका एक ही साथ पेपर हो रहा है तो ये एक अच्छी बात है ध्यान देने वाली है लेकिन निगेटिव मार्किंग है तो वो ध्यान रखिएगा ठीक है और फिर कितना क्वालिफाई करेंगे वो लिखे हैं थ्री टाइम्स द वैकेंसी फॉर द अनरिजर्व कैटेगरीज एंड फाइव टाइम्स वैकेंसी फॉर द रिजर्व कैटेगरी आपका जो है इतना कॉल आउट किया जाएगा और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा इंटरव्यू आपका टोटल मार्क्स uh, हंड्रेड होगा और फिर वेटेज लिया जाएगा कैसे वेटेज लेंगे 80 परसेंट वेटेज आपका रिटर्न का रखा जाएगा 20 परसेंट वेटेज आपका इंटरव्यू का रखा जाएगा ठीक है तो ये वेटेज रहने वाला है फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा ठीक ये सब uh, कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि uh, जनरल गाइडलाइन आप जब एग्जाम देने जाएंगे फॉर्म जो भर रहे हैं फॉर्म भरने में वही वही डॉक्यूमेंट्स लगने हैं जो एक बैंक में नॉर्मल फॉर्म भरने में लगते हैं फोटो आपका सिग्नेचर और डिक्लेरेशन लिखते हैं लास्ट डेट याद रखिएगा फोटीनथ ऑफ जून उसके पहले अप्लाई कर दीजिएगा अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा अगर आप देखते हैं ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ऑफिशियल पी है उसमें भी लिंक दिया गया है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा लिंक तो वहाँ से आप जा कर के अप्लाई कर सकते हैं ठीक है बाकी मैंने लगभग बाक सारी चीज़ें बता दी हाँ अगर आप सेंटर देखना चाहते हैं तो सेंटर पेज नंबर ट्वेंटी नाइन पर लिखा हुआ है कहाँ कहाँ सेंटर जाएगा ठीक और एक इंस्ट्रक्शन ये भी दिया गया कि सही से अप्लाई करिएगा क्योंकि कोई करेक्शन की संभावना नहीं रहेगी इसमें एक बार अप्लाई कर देंगे कुछ फॉर्म में रहता है कि कुछ पैसे देकर के आप करेक्ट कर सकते हैं आगे इसमें नहीं रहता है ठीक है देखिए हर एक स्टेट में आपका रहने वाला जैसे मैं अगर अब यूपी का दिखाऊँ तो इलाहाबाद लखनऊ मेरेट बनाया गया है अगर आप देखें मध्य प्रदेश का वहाँ पे भोपाल बनाया गया इस तरह से मेजर मेजर सिटीज दिल्ली में आपके कई सेंटर्स बने हुए हैं इस टाइप से आप देख लीजिएगा आपका जो स्टेट है वहाँ पे कौन सा सेंटर है तो नियर बाई सेंटर में आप चले जाएंगे सेंटर पूछता भी है ठीक है आपने आपसे ऐसा एलोकेट नहीं करेगा और आ, फोटोग्राफ इमेज है आपके लगाना है सिग्नेचर इमेज लगानी है ये सब चीज़ें आपको लगानी है आप देख के लगाना एलिजिबिलिटी ऑफ द एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरेंस वन वन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो फाइनल ईयर वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे दैट इज़ द वन थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड तो 2021 और उसके पहले जितने पास आउट है वो सब एलिजिबल हैं सब अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एक एक 2022 तक आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए जो क्वालिफिकेशन या जो भी लिखा है ठीक है तो पास आउट ही अप्लाई कर सकते हैं ठीक तो ये पूरी जानकारी हो गई और uh, कोई अभी और भी कॉमेंट क्वेरी सजेशन रहता है आप नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो सी इन द नेक्स्ट वीडियो सी या बाय बाय